बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर में यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट अपने साथी तालिबे इल्म असामा से नाजायज़ तल्लुकात से हमला हुई। जालिम ने लड़की को अपने घर से रकम लाने पर मजबूर किया। वो लड़की वालदेन से यूनिवर्सिटी फीस के बहाने 1.5 लाख रुपये लाई। नजी हस्पताल में अबारशन कराते हुए मौत की वादी में चली गई। असामा उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए मुर्दा खाने लाया तो कैमरे की आँख ने मुजरम पकड़ लिया। ये बदबख्त दरिंदा खुदा न ख्वास्ता अगर मौलवी या किसी दीनी मदरसे से तल्लकदार होता, मुल्क भर में कोहराम मचा होता। लिबरल तबका मोमबत्तियाँ जलाकर मगरमच्छों के आंसू बहाता। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमा मजम्मती बयान जारी कर रहे होते। लोग पुलिस ऑफिसरान की वजाहतें सुन रहे होते। एंकर पर्सन बेलगाम होकर बाछें खोल खोल कर हलकान हो रहे होते। लेकिन क्या अलमिया है कि मुजरम ऐसा शख्स निकला जो दाढ़ी के बगैर खाली मूछें रखे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। ये जानकर सबकी जबानें गंग हो गई जैसे सांप सूंघ गया हो। किसी न किसी बहाने इन दोगले चेहरों से मुनाफ़िकत का पर्दा उठ ही जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी किसी के वालदेन को ये अलमनाक दुख ना दिखाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।